హాయ్, దిస్ ఇస్ కుందన్ కుమార్, లాస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ ఫ్రమ్ మార్సి మార్క్ ఇన్స్టిట్యూట్ డివిజన్ యూనివర్సిటీ హర్యానా. అదే హమ్ క్లాస్ మే ఔర్ అభీ తక్ టీచర్ ఆయా నహీ హై, తో థోడా బాత్ కర్తే హై హమారే సే. దిస్ ఇస్ ది బ్యాంక్ యా హెలో ఎవరీవన్, దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ గానా, వెస్ట్ ఆఫ్రికా. వెస్ట్ ఆఫ్రికా. హౌ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ దిస్ యూనివర్సిటీ? Oh, this university is good, facilities and everything, every course you want to do, yes. Good facilities, everything is going on very well, so each and every student who wants to do engineering or any other course, yeah, can choose this university. And then also, if you come here, you make it a chance to study in a very good university, first class university, and everything goes well. Oh, okay. What do you want to say if any students want to come here from Bihar? If any student wants to come to Bihar, then you should come to Kundan, because Kundan has a very good consultancy, good memorandum of understanding with this university. So if you come to Kundan, 100% assurance guarantee, okay? DRCC and everything available with Kundan. आप बताओ आप क्या कहना चाहती हो? मैं यही कहना चाहती हूँ, टीचर नहीं आया तो हम लोग अभी थोड़ी मस्ती कर रहे हैं, टीचर आएंगे फिर पढ़ेंगे हम लोग. अच्छा, तो मतलब कैसा लगा आपको, तीन साल बीतने वाला है तो कैसा लग रहा है कि कैसा है? दो साल तो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन थर्ड ईयर में आते आते मतलब बातचीत ज़्यादा होने लगी, दोस्त लोग बहुत अच्छा लगा. पढ़ाई वगैरह कैसा है यहाँ? बढ़िया, बहुत बढ़िया. मैं चाहती हूँ आप लोग भी आइए, जिंदगी झंड कर. नहीं नहीं, ये तो अलग बात होती रहेगी, मतलब ऐसे होता है कॉलेज लाइफ है तो पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय भी होना चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है. तो आप लोग भी अगर आप इस यूनिवर्सिटी को चूज कर रहे हो तो आप ज़रूर एक बार आप कंसल्ट करो मेरे से, या कोई भी एडमिशन सपोर्ट चाहिए तो मेरे से संपर्क करो, ठीक है? और अंबू जी आप क्या कहना चाहते हैं? क्या नहीं, क्यों बताइए, इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए, क्यों आप फेयरवेल में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? फेयरवेल में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? क्यों नहीं डिसाइड? ऐसे क्यों डिसाइड करके बताइए, सभी लोग देख रहे हैं आपको. ऐसे ही नहीं, ये हम लोग पीछे सबसे पीछे बैठे हुए थे और ये हमारे क्लास का ओवरव्यू है जैसे आप लोग देख सकते हो. ये है सामने क्रेविन एवन कैफे, एवन कैफे. और ये है एमबीए ब्लॉक. एलबीए एमबीए बाबे. अच्छा, एमबीए. जे रोवा के एडमिशन करवे के होई, एमबीए होई, एवन तक हम लोग जा रहे हैं लैब, सीआरएल लैब में. और अपने डिपार्टमेंट से आज हम लोग को सीआरएल लैब जाना होता है मंगलवार को, तो मेडिकल से होते हुए हम लोग जाएंगे एडमिन ब्लॉक के पीछे हम लोग का लैब लगेगा. तो चलिए आपको वो भी दिखाते हैं आज. ये पीछे मैथ्स दिख रहा है और फार्मेसी का कॉलेज है. देखिए मेन गेट है, मेन गेट से बाहर एमएमडीयू का. ये एमएमडीयू का पोस्टर है, ट्रिप ऑफ सक्सेस. यह है अपना एडमिन ब्लॉक, यहीं पे आपको आना पड़ता है अगर आप आओगे तो रिपोर्टिंग टाइम पे. और ये अपना हॉस्पिटल, तो ये देख लो एडमिन ब्लॉक है. और ये सारा पीजी है डॉक्टर स्लो का. ये एडमिन ब्लॉक का गेट है. ब्लॉक से इतना दूर आते आते हालत खराब हो जाता है, इतनी धूप में. बहुत ही धूप यहाँ तेज हो चुका है, अभी थक जाते हैं, चलते चलते हैं. यहाँ पे तो और बहुत कुछ धूप इस टाइम पर हो गया है, हालत खराब होता है. हॉस्पिटल साइड का है बिल्डिंग्स,
क्योंकि आप देख सकते हैं इधर सारे मेडिकल वालों की पढ़ाई होती है अलग अलग ब्रांच के। हम लोग का भी इधर लैब चलता है, हम लोग भी आए हुए हैं। तो गाइज हम लोग का प्रैक्टिकल ख़त्म हो चुका है, तो हम लोग जा रहे हैं अब अपने हॉस्टल। हवा बहुत तेज चल रहा है, पीछे का व्यू देख सकते हैं कितना खतरनाक व्यू रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है राजा बाबू एंड गुलशन कुमार। ठीक है, गरम गरम हवा चल रही है, गरम गरम हवा चल रहा है, बहुत ठंडा है, इसको ठंडा लग रहा है, गरम गरम हवा चल रहा है, हवा चल रहा है। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस 3 साल का, बताइए गुलशन जी। बस यही नहीं, यहाँ पे तो कोई केमिकल वेमिकल मिलता नहीं है, तो बायोटेक यहाँ से ना करें। और क्या कहना चाहते हैं आप बच्चों से जो आने वाला सब कोई एडमिशन कराओ, पढ़ो, अटेंडेंस लगाओ, अटेंडेंस लगाओ, पढ़ो मार, अटेंडेंस जरूरी है। और आप क्या कहना चाहते हैं राजा बाबू? आइए पढ़िए, सब हो गया और क्या।